डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किनाबे सुगानो डायग्राम। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑर्गल डायग्राम, वही उसी टाइप का है लेकिन उसे थोड़ा एडवांस है। कुछ हमें ड्रॉबैक्स मिला ऑर्गल डायग्राम में, क्योंकि वो हम देखें कि वो सिर्फ हाई स्पिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है या हाई स्पिन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ही वो हम अप्लाई कर पा रहे थे। दूसरा, इसमें हमें क्या ड्रॉबैक मिल रहा था, इसमें हम जो है सिर्फ हमें यहाँ से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड हो रहा था ऑर्गल डायग्राम से। वहां से हमें सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हम ऑर्गल डायग्राम से निकाल पा रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे टेनाबे सुगानो डायग्राम, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा उससे एडवांस है। हम यहाँ पे वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, लो स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सब हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे हमारे फील्ड स्ट्रेंथ डेल्टा नॉट जो वैल्यू है क्रिस्टल उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो कि हम राका पैरामीटर कहते हैं वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेनाबे सुगानो डायग्राम पे जाने से पहले एक्चुअली जो रफ आइडिया टेनाबे सुगानो डायग्राम का जो कि हमें कोरिलेशन डायग्राम से मिलता है, तो हम पहले कोरिलेशन डायग्राम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कोरिलेशन डायग्राम के बाद कोरिलेशन डायग्राम क्या है, यहाँ पे ये सब जो मैंने यहाँ पे डी टू सिस्टम के लिए जो कि जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आता है और ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा उतना हमारा कोरिलेशन डायग्राम भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि ये क्या चीज है, हम डी टू सिस्टम के लिए कोरिलेशन डायग्राम, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कोरिलेशन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम एक्चुअल टेनाबे सुगानो डायग्राम क्या है उस पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने जो डी टू कोरिलेशन डायग्राम फॉर डी टू आयंस इन ऑक्टाहाइड्रल फील्ड के लिए हमने कोरिलेशन डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो हम डिटेल्स में देखते हैं यहाँ पे ये सारा सिंबल्स क्या बने हुए हैं, इधर क्या बने हुए हैं, ये जो डॉटेड लेंस और जो बोर्ड लेंस क्या बने हुए हैं। ठीक है, वो सब हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम फिर टेनाबे सुगानो डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, तो ये टेनाबे सुगानो डायग्राम क्या चीज है, तो ऑर्गल डायग्राम में हमें कुछ ड्रॉबैक्स मिला तो टेनाबे और सुगानो ने जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स या उसमें डिफरेंट जो हमारा पैरामीटर्स आता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें और एक नया सेट ऑफ डायग्राम्स दिया था जिसे हम टेनाबे सुगानो डायग्राम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस कोरिलेशन डायग्राम पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सिंबल रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सेट है, ठीक है, ये वाला सेट जिसको मैं रेड पेन से मार्क करता हूं, ये वाला सेट, ये क्या चीज है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्री आयन टर्म। सिंपली जिस तरह हमने ऑर्गल डायग्राम डिस्कस करते वक्त जो पर्टिकुलर डी टू सिस्टम के लिए हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ग्राउंड स्टेट टर्म्स कितना बनता है वो हमने कैलकुलेट किया था, वही है, ये कुछ नहीं है। हमने कहा था कि जो हमारे डी टू सिस्टम के लिए जो टर्म्स आते हैं वो आते हैं ट्रिपलेट एफ, ठीक है, सिंगलेट डी, ट्रिपलेट पी, सिंगलेट जी एंड हमारा सिंगलेट एस। ये सब क्या है डी टू सिस्टम के लिए, इनके जो ऑक्टाहाइड्रल फील्ड, ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो हमने देखा था ये सब टर्म में से हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। हमने कहा था कि जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा तो ग्राउंड स्टेट होंगे, इसीलिए जो सबसे नीचे हमारा रखा गया है वो है ट्रिपलेट एफ क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पे डी पे, क्योंकि एफ के बाद डी डी पी, इस तरह हमारा एनर्जी यहाँ पे इस तरह एनर्जी लेवल में हमने इस ग्राउंड फ्री आयन टर्म्स को रखा गया है। ठीक है, ये पहला वाला कॉलम सिंगलेट एस, सिंगलेट जी, ट्रिपलेट पी, सिंगलेट डी एंड ट्रिपलेट एफ, ये ओवरऑल जो कोरिलेशन डायग्राम है ये एक हमारा रफ आइडिया देता है हमारे टेनाबे सुगानो डायग्राम का ही। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ये सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम जिसमें हमने ये ट्रिपलेट टी वन जी, ट्रिपलेट टी टू जी, ट्रिपलेट ए टू जी, सिंगलेट टी टू जी, ई जी, ये सब लिख के रखा हुआ है, ये क्या चीज है।
तो ये फ्री आयन टर्म्स है। फ्री आयन टर्म्स में सिर्फ ये डी टू के लिए कौन कौन सा टर्म आ सकता है। अभी यहाँ पे कोई हमारे फील्ड इफेक्ट नहीं है, वेदर ऑक्टाहाइड्रल फील्ड टेट्राहाइड्रल फील्ड का इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो जब हम इस फ्री आयन टर्म्स को हमने इसको फॉर एग्जाम्पल हमने ऑक्टाहाइड्रल लिखा है तो ऑक्टाहाइड्रल फील्ड की प्रेजेंस में लाया। ठीक, जब हमने इसको वीक इंट्रैक्शन, लेकिन जो यहाँ पे जो बनता है वो वीक इंट्रैक्शन बनता है, मीन्स वीक फील्ड में, वीक फील्ड में जब हमने इसको लाया तो हमने देखा है कि एफ टर्म हमारा इररिड्यूसिबल, ये सब क्या है हमारा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में हम इसको इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं या इसको मुलेकन सिंबल्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको 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 हम मुलेकन सिंबल्स या ग्रुप थ्योरी में हम इसको इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो हमें पता है कि जब हम इनको ऑक्टाहाइड्रल फील्ड या फील्ड की प्रेजेंस में लाते हैं तो ये हमारा जो f है, f हमारा डिवाइड होता है कि क्योंकि f में हमारा 7 है, ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स है, तो ये हमारा डिवाइड होता है ट्रिपलेट T1g T2g और हमारा A2g में, क्योंकि 7 है तो देखो T हमारा ट्रिपल डिजेनरेट है, 3 है इधर, इधर 3 है, 3 दूनी 6, एन ए जो है हमारा नॉन डिजेनरेट है, सिंगल है, तो 7। ठीक है, इसके बाद हमारा डी देखते हैं, डी ऑर्बिटल हमारा T2g और EG में डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा पी है, पी का कोई डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ये T1g मुलेकन सिंबल्स में चेंज होता है। ठीक है आपका, इसके बाद हम देखेंगे आपकी टी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, पी हो गया, फिर हम जी देखते हैं। ठीक है, जब हम जी की बात करते हैं तो जी में टोटल 9 ऑर्बिटल्स आते हैं, तो ये डिवाइड होता है आपका A1g नॉन डिजेनरेट है, T2g है आपका, T1g है और आपका EG में। ठीक है, इधर हो गया 1, इधर 3, इधर 3, इधर 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, टोटल जी में हमारा 9 ऑर्बिटल आता है। तो ऐसे ये ऑक्टाहाइड्रल वीक इंट्रैक्शन की प्रेजेंस में डिवाइड होता है। फिर आपका एस आता है, एस ये आपका नॉन डिजेनरेट है, इसका कोई स्प्लिटिंग नहीं होता है, तो ये सिंगलेट A1g में चेंज होता है। वही यहाँ पे हमने मुलेकन सिंबल्स इन फ्री आयन टर्म्स का इन प्रेजेंस ऑफ वीक इंट्रैक्शन हमने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमने ऑर्गल डायग्राम डिस्कस करते वक्त भी लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, डी इन केस ऑफ डी में हमारा 1 है, इधर 3 है, इधर 1 1, तो वही सब हम इस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये वीक फील्ड के लिए है। अगर हम और भी फील्ड की इंट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को लाते हैं तो यहां पे आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। यहां पे देखिए D2 केस में हमारे पास दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन आ सकता है D2 केस में। ठीक है, D2 की केस में या तो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन T2g में आप बैठ सकते हैं, या आपका इलेक्ट्रॉन क्या रह सकता है, एक T2g में रह सकता है, एक हमारा EG में रह सकता है, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, या आपका तीसरा जो ऑप्शन है दोनों दो EG2 में भी रह सकते हैं। यही तीन है, देखो यहाँ पे आपका जब इलेक्ट्रॉन T2g में रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका T2g में, एक आपका EG में, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन EG में रह सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब क्या हो सकता है देख यहाँ पे, लेकिन हमने जब हमने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे हमारा कोई भी फ्री आयन टर्म नहीं लिखा हुआ है। देखो जिस तरह यहाँ पे इन केस ऑफ वीक फील्ड में हमने फ्री आयन टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई फ्री आयन टर्म नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हमारे ये इंट्रैक्शन, यहाँ पे हमने इंफिनिटी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, जब जो इंट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए हमारे पास ये सब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। जब हमारा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और भी फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारा यहाँ पे फ्री आयन टर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, हमारा जो लिगेंड फील्ड इफेक्ट है, जब लिगेंड का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ओवरराइड्स करता है आपकी LS कपलिंग को, LS कपलिंग से आपका क्या बनता है, आपका टर्म बनता है। ठीक है, ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जब ये दोनों मिल जाता है तो आपका टर्म बनता है। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाता है, आपका लिगेंड फील्ड इफेक्ट जो है
overrides the LS coupling. जब आपका लिगेंड फील्ड इफेक्ट LS कपलिंग को ओवरराइड कर जाता है तो यहां पे आपका कोरिलेशन डायग्राम में कोई फ्री आयन टर्म्स नहीं होता है, यहां पे कोई फ्री आयन टर्म्स नहीं होता है। तो क्या हुआ, हम जो हमारा डायरेक्ट जो हमारा T2G सिस्टम है, ये चार जो हमारा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपके एक इलेक्ट्रॉन T2G और एक इलेक्ट्रॉन EG में रहते हैं तो ये चार आपका इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे। जब आपका दोनों इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ EG ऑर्बिटल में रहेंगे तो ये आपका इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि D2 केस में हमारा जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या आता है वही है, ठीक है। D2 की केस में हमारा जो माइक्रोस्टेट, जो हमने जब माइक्रोस्टेट डिस्कस किया था उस क्लास में, तो हमें आया था 45, वही 45 डिफरेंट अरेंजमेंट इसमें इंक्लूड होता है। देखते हैं, जो टी स्टेट है, टी टर्म हमारा ट्रिपल डिजेनरेट होता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसमें देखेंगे तो 3 × 3 आपका 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पिन 1 है तो यहाँ पे जो टी टर्म है वो ट्रिपल डिजेनरेट है, 3 × 1 = 3, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। ई डबल डिजेनरेट है 2 × 1 = 2, यहाँ पे ए नॉन डिजेनरेट है, a 1 × 1 हमारा 1 ही रहेगा T2G में रहता है। तो अगर आपका एक T2G में एक EG में रहता है तो उसकी केस में देखेंगे, देखो 3 × 3 = 9 हुआ आपका, 3 × 3 यहाँ पे भी 9 होता है, यहाँ देखेंगे 1 है, 1 × 3 = 3, और दूसरे भी 1 × 3 = 3, क्योंकि T आपका ट्रिपल डिजेनरेट है, E आपका डबल डिजेनरेट, और आपको A आपका नॉन डिजेनरेट है, तो उनको अपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी से क्या करना है, मल्टीपल करना है। यहाँ पे देखेंगे अगर दोनों EG में रहता है तो आपका देखे यहाँ पे A नॉन डिजेनरेट है या सिंगल डिजेनरेट है, 3 × 1 = 3, प्लस आपका E डबल डिजेनरेट है, 2 × 1 = 2, और आपका सिंगल ए सिंगल डिजेनरेट है तो 1 × 1 = 1। तो देखते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहां हुआ, 9, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यहां हुआ, 3, 2, 5, 1, 6 टोटल करते हैं, 4, 6, 10, 10 × 5, 15, 1, 1, 2, 2 + 2, 4 टोटल आपके क्या आया, 45 आ रहा है। तो ये है आपके D2 सिस्टम में जो टोटल पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट है। माइक्रोस्टेट क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में ये जो D2 सिस्टम की केस में इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट अरेंजमेंट, जो पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट जो आप कर सकते हैं वो है आपका माइक्रोस्टेट। तो D2 की केस में हमें 45 है, तो ये आपका टोटल 45 आ रहा है, ठीक है। ये हुआ इन्फिनिटी की केस में, इन्फिनिटी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो हमारा फ्री आयन टर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे जो लिगेंड का फील इफेक्ट है वो आपकी LS कपलिंग को ओवरराइड कर जाता है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में ये आपका वीक इंट्रैक्शन हुआ, ये आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हुआ। अब ये वाला एरिया जो इन दोनों के बीच का जो मिडल एरिया है, ये एरिया वो है जहां एक्चुअली आपका मेटल कॉम्प्लेक्स सारा यहीं पे एग्जिस्ट करता है, मेटल कॉम्प्लेक्स सारा उनका ट्रांसेक्शन यहीं पे एग्जिस्ट करता है। अब देखेंगे, अब जो बीच में हमने एक तो ब्लैक कलर से एक सॉलिड लाइन बना हुआ है, देखो यहां से सॉलिड लाइन है, यहां से सॉलिड लाइन है, यहां से भी सॉलिड और यहां से सॉलिड, ठीक है। डायग्राम बोर्ड पे बनाया है तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, जब आप इसको बुक से देखेंगे तो वहां पे जो एक्चुअल डायग्राम है वो आपको अच्छे से दिखेंगे, ठीक। यहाँ पे दो है, एक हमने सॉलिड लाइन से बना हुआ है, एक हमारा क्या है डॉटेड लाइन से बना हुआ है, ये दो क्या है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमने सॉलिड लाइन से बना हुआ है उन सब में क्या है, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 आएंगे, ठीक है। सॉलिड लाइन से जो भी बना हुआ है उनमें देखिए, यहां से यहां की बात करते हैं तो यहां भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, यहां भी 3 है, यहां 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 भी 3 है और यहां भी 3 है। तो ये सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होने का मतलब है
क्या है आपका, चले जाइए आप स्पिन सिलेक्शन रूल पे, ठीक है। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं कि डेल्टा ए शुड बी इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन होने के लिए आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो जितने भी ये बोल्ड जो ब्लैक कलर से हमने लाइन बनाया है, ये आपका स्पिन अलाउड ट्रांसैक्शन है। क्या है ये सबका? स्पिन अलाउड ट्रांसैक्शन है, ये सब स्पिन अलाउड ट्रांसैक्शन है। इसमें स्पिन ट्रांसैक्शन आराम से हो सकता है। अब यहां देखिए डी टू केस में ये वाला ट्रांसैक्शन पॉसिबल है यहां पे, क्योंकि अब यहाँ पे टिनागो सुगानो डायग्राम में क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनते हैं। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन पॉसिबल है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये स्पिन अलाउड ट्रांसैक्शन। और अगर हम डॉटेड लाइन की बात करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन की बात करते हैं तो इनकी इंटेंसिटी आपको क्या रहता है? वीक रहता है, ठीक है। इनकी इंटेंसिटी होता है लेकिन इनकी इंटेंसिटी वीक रहता है, क्योंकि अगर आप ग्राउंड स्टेट को देखेंगे, ग्राउंड स्टेट में क्या है आपका? ट्रिपलेट है, यहां से यहां सिंगलेट नहीं जा सकते हैं, स्पिन अलाउड नहीं है। यहाँ पे इधर देखें नहीं हो सकता है, यहाँ वन है यहाँ थ्री है। यहाँ से इधर देखें ये भी क्या है? सिंगलेट है, ट्रिपलेट से नहीं हो सकते। ये सब क्या है? सिंगलेट टू ट्रिपलेट हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड नहीं करता है। ये सब क्या रहता है? हमारा फॉरबिडन रहता है, ठीक है। अगर हमारा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा ये ट्रांसैक्शन फॉरबिडन रहता है, वही यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कोरिलेशन डायग्राम आपको आइडिया देता है कि जो हमारा टिनाबे सुगानो डायग्राम बनता कैसा है, ठीक। अब हम जाते हैं टिनाबे सुगानो डायग्राम पे। ये कोरिलेशन डायग्राम है डी टू सिस्टम के लिए। अगर आप डी थ्री डी फोर सबके लिए हैं या आप अच्छे कोई भी अच्छा रेफरेंस बुक पे देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे सारा कोरिलेशन डायग्राम। लेकिन जितना आप डी थ्री डी फोर सिस्टम में जाएंगे तो वहां वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो बोर्ड पे यही बनाने के लिए थोड़ा वो पॉसिबल नहीं है। तो आप बुक से देखिएगा तो अच्छे से वो आपको पता चल जाएंगे। तो टिनाबे सुगानो डायग्राम, तो हमने देखा कि टिनाबे सुगानो डायग्राम बनने का मकसद क्या है। इस वी हैव कंसीड, अगर हम ऑर्गल डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर वहां से हम टिनाबे सुगानो डायग्राम पे जाते हैं तो हमें क्या होगा, आराम से वो समझ में आ जाएंगे। तो मकसद क्या हुआ, अगर हम ऑर्गल डायग्राम की बात करते हैं तो इट ओनली कंसीडर्स, हाई स्पिन स्टेट। अगर हम ऑर्गल डायग्राम की बात करते हैं तो वो हमें क्या अलाउ करते हैं? सिर्फ हाई स्पिन स्टेट या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही वो क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ये हमारा इसका क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑल दो हमारे जितने भी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं वो इस पे आता है, क्योंकि आपका टिनाबे सुगानो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एग्जाम के लिए, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है अंडरस्टैंड के लिए। वहां से आपको पता चलेगा कि डिफरेंट पैरामीटर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या था कि इट गेव अस ओनली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या करता था ये? हमें सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता था, नो एनर्जी कैलकुलेशंस। देन इन ऑर्गल डायग्राम वहां पे कोई एनर्जी कैलकुलेशन का कंसेप्ट नहीं था ऑर्गल डायग्राम में, ठीक है। अब ये दो एनर्जी कैलकुलेशंस तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे या वेव नंबर पे आपका ट्रांसैक्शन हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ,
जो इस जो ये ड्रॉबैक को देखते हुए कि हमें और एक कॉरिलेशन डायग्राम की जरूरत था, तो न्यू कॉरिलेशन देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर न्यू एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं एडवांस कॉरिलेशन डायग्राम देयरफॉर इसीलिए ये दो प्रॉब्लम आने से हमें वी हैव नीड फॉर ए न्यू एंड एडवांस कॉरिलेशन डायग्राम विच कंसीडर्स बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारा ये वाला डिसएडवांटेज को खत्म करे। यहाँ लो स्पिन का कोई जिक्र नहीं है। विच कंसिडर्स बोथ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑल्सो परफॉर्म्स एनर्जी एंड डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेशंस, इसमें हमारे क्या होता है सचेस फील स्ट्रेंथ, इसमें आपका डेल्टा नोड आता है ऑक्टाहाइड्रल की केस में या डेल्टा टेट्राहाइड्रल की केस में एंड आपका राका पैरामीटर, विच इज क्या है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। आपकी डी टू सिस्टम में कितना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, डी थ्री की इसमें कितना है, वो सब कैलकुलेट करने के लिए ताकि हमारा जो थोर ऑसिडिटी हो जाए एंड ऑल्सो परफॉर्म एनर्जी एनर्जी एंड डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेशन दिस एंड फील्ड स्ट्रेंथ एंड राका पैरामीटर। देयरफॉर न्यू correlation diagram come into existence which is known as Tanabe-Sugano diagram। तो हमें ये सब ये जो ड्रॉबैक था हमारे ऑर्गल डायग्राम के लिए, ऑल्दो आपका ऑर्गल डायग्राम बहुत सिंपल है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए आपको बेस्ट है, आसान है, दो डायग्राम आपको याद रखने हैं तो वहां से आप पूरे जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स का आप जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन या जो भी पॉसिबल ट्रांसैक्शन अलाउड है वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अब इसको जो ड्रॉबैक्स था उसको ओवरकम करने के लिए नया हमारा कोरिलेशन डायग्राम आ गया जिसे हमने Tanabe-Sugano डायग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसका जो डिफिनेशन या हम कह सकते हैं कि आपका Tanabe-Sugano डायग्राम क्या डिस्कस करता है। तो ऐसे लेकिन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम ध्यान में रखेंगे डायग्राम बनाने से पहले। इसको आप ध्यान में रख के अगर आप डायग्राम पे जाओगे तो वही आसानी रहेगा आपको डायग्राम। Few important points regarding Tanabe-Sugano diagram. थोड़ा आपको complex लगेगा लेकिन जब आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो एक बार अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो कोई problem नहीं है। सबसे पहले हमारा जो Tanabe-Sugano diagram है इस ये क्या है आपका can be used for both high spin and low spin complexes।
पहला चीज से जो आपको ध्यान रखना है कि ये टेनाबे सुगानो डायग्राम है वो आप बोथ लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जब हमने ऑर्गल डायग्राम में देखा था तो वहां पे हमारा जो सिर्फ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मींस वहां पे जो सिर्फ स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन है उन टर्म्स को ही लेते थे। यहां पे क्या होता है, यहां पे टर्म्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी जो टर्म्स डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया है और ऑल्सो इन टेनाबे सुगानो डायग्राम। टेनाबे सुगानो डायग्राम में हमने अगर टर्म्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है तो उनको भी इंक्लूड किया गया था, जैसे कि आपने कोरिलेशन डायग्राम में देखा है, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है, ग्राउंड स्टेट कैसे टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सारा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगे। ग्राउंड स्टेट्स कैसे हमने डिफाइन किया था कि जिसका सबसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या करता है, जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है, ठीक है, इज टेकन इज ए रेफरेंस पॉइंट, जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है उसको हमें इज ए रेफरेंस हमारा पॉइंट मानना है, एंड इसको हमें कैसे बनाता है और ये जो रेफरेंस पॉइंट है और ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म है उसको हमें कैसे ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करना है और उसके एबो हमें दूसरे जो भी हमारा टर्म्स है हायर एनर्जी के टर्म्स है उनको रखना है, ठीक है। Drawn state term is taken as a reference point and drawn is a horizontal and the other higher energy terms were put above these हॉरिजॉन्टल लाइन, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप क्या करना है, आप दूसरे जो आपके लोअर एनर्जी टर्म्स है उनको रखना है, कैसे, जैसे कि आप जब हमने ऑर्गल डायग्राम देखा था तो ऑर्गल डायग्राम भी ऐसे ही बनता था, ठीक है। यहां पे आपका एनर्जी रहता था, यहां पे आपका फील्ड स्ट्रेंथ रहता था और यहां अगर आपका ग्राउंड स्टेट टर्म आता था तो आपका ऐसा दो, आपको जैसे कि हम इसको T2G मानते हैं, इसको EG मानते हैं, इस तरह आपका ऑर्गल डायग्राम बनता था। लेकिन यहां पे क्या है, देखिए यहां पे जब हम टेनाबे सुगानो डायग्राम की बात करते हैं तो यहां भी एनर्जी होगा, यहां फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है, अगर हमारा एफ ग्राउंड स्टेट टर्म है तो उसको हमें एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये वाला जो बेस लाइन है एक्स एक्सिस पे वो हमारा क्या है, अब T2G ये हमारा क्या बनेंगे, ये हमारा बनेंगे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल या एनर्जी टर्म। अब यहाँ पे जो हमारा जो इस केस में हायर एनर्जी टर्म है उसको यहीं से इस तरह बनाना है EG, तो जितने भी हमारा ट्रांसेक्शन अलाउड होगा वो यही ग्राउंड स्टेट टर्म से होगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म से इस तरह होगा। अगर यहाँ पे दूसरा होगा, अगर P होगा तो यहां से होंगे, तो ये इस तरह अलाउड ट्रांसेक्शन होंगे।
तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ग्राउंड ट्रम्स जो ग्राउंड स्टेट ट्रम्प है वो नीचे की ओर डाउन मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इन केस ऑफ टिनाबे सुगानो डायग्राम में क्या करना है आपको, जो ग्राउंड स्टेट ट्रम्स को एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है एज ए हॉरिजेंटल लाइन, और अगर इसके बाद इससे जितने भी ज्यादा हायर एनर्जी के ट्रम्स होंगे उसको इधर ऊपर ऊपर लगाते वाई एक्सिस पे लगाते जाना है, ठीक है। तो ये मेन आपका डिफरेंस है आपका ऑर्गल डायग्राम और टिनाबे सुगानो डायग्राम में, ठीक है यहां तक। अब यहां पे क्या किया है, जो टिनाबे सुगानो डायग्राम में फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यहां पे हमने जो राका पैरामीटर है, ठीक है, राका पैरामीटर जिसे हम B से डिनोट करते हैं, B से डिनोट करता है, इसको हमने इंक्लूड किया गया है बोथ एनर्जी वाले एक्सिस पे और जो फील्ड स्ट्रेंथ एक्सिस पे, तो हमारा डायग्राम अब ऐसा बनेगा, ठीक है। इन केस ऑफ ऑर्गल डायग्राम हमारा इधर एनर्जी आता था, अब हमने टिनाबे सुगानो डायग्राम में E बाई बी को रखा है, बी क्या है आपके राका पैरामीटर, इधर आपका फील्ड स्ट्रेंथ डेल्टा नॉट आता था, अब इधर हमने डेल्टा नॉट बाय बी को रखा गया है, ठीक है, क्यों, ताकि ये वाला जो डायग्राम है वो जनरल हो सके इसमें, ताकि सारे भी मेटल आयन्स को हम इस जो डायग्राम के साथ हम सॉल्व कर सके, और क्या होगा आपका लिगेंड में, लिगेंड का भी आप इस डायग्राम पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लिगेंड का इफेक्ट या मेटल आयन का इफेक्ट किस पे होता था, एनर्जी पे होता था, एक तो फील्ड स्ट्रेंथ पे होता था, दूसरा क्या होता था आपकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे, अब हमने इधर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी रखा है और हमारा फील्ड स्ट्रेंथ भी रखा है, तो हम इस डायग्राम को हमने क्योंकि यहां बहुत से इसको इंक्लूड किया है तो हम जनरली क्या कर सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द डायग्राम जनरल फॉर डिफरेंट मेटल आयंस, इन ऑर्डर टू मेक द डायग्राम्स जनरल फॉर डिफरेंट मेटल आयंस, ताकि यही डायग्राम सारे मेटल आयंस के लिए एक के लिए जनरल हो जाए, विथ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, and to allow for different ligands, ताकि हम एक तो सेम इलेक्ट्रॉनिक configurations के different metal ions को, दूसरा different ligands को, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, both of which effect आवर डी क्यू, जिसे हम डेल्टा नॉट भी कहते हैं, ठीक है, डी क्यू और डेल्टा नॉट, अगर ये वाला ये दोनों स्केल की डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपकी डी टू डी क्यू अगर आपका यूनिट दिया होगा तो ये वाला एब्सिसा लिगेंड आपका 1, 2, 3, 4 इस तरह लेंगे, अगर आपका डेल्टा नॉट की केस में होगा तो ये 10, 20, 30, 40, ठीक है, 10 डी क्यू, सिंपली 10 डी क्यू मीन ये 1 × 10 हो जाएंगे, तो इसीलिए इनकी सिर्फ स्केल में वेरी होगा डी क्यू और डेल्टा नॉट, एंड बी इसको हम बी डैश भी कहेंगे, अगर आपका सेम टाइप ऑफ लिगेंड होगा तो बी, अगर डिफरेंट होगा तो आपका डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी के होंगे तो बी डैश, ठीक है, दो हमारे पास राका पैरामीटर है, एक बी दूसरा सी, सी मीन्स अगर मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट के बीच में अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है डिफरेंट टर्म्स के, अगर बी मीन्स सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स में अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो यहां पे हमने लिखा बोथ ऑफ विच इफेक्ट डी क्यू मीन डेल्टा नॉट एंड बी द एक्सिस आर
plot it in units of energy by B एक साइड रखा है एंड डेल्टा नॉट बाय बी एक साइड रखा है. अगर हम ऑर्गल डायग्राम पे देखते हैं तो हमारा एक साइड एनर्जी आता था, एक साइड हमारा फील्ड स्ट्रेंथ आता था. अब हम इसको जनरलाइज बनाने के लिए एनर्जी साइड को भी हमने बी से बी के साथ डिवाइड किया है और डेल्टा नॉट को भी हमने बी के साथ डिवाइड किया है. और ये बी क्या चीज है? बी हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये है, ये कुछ पॉइंट्स है और देखेंगे. अब यहाँ पे आता है, हमने मेटल आयंस विद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हम देखते हैं तो वी विनेडियम के देखेंगे, टाइटेनियम के देखेंगे. ठीक है, जहां पे बी आपका ये बी डैश होगा आपका रिपल्शन बिटवीन टर्म्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी और ये बी डैश होगा रिपल्शन बिटवीन टर्म्स ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो यहां पे ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब इसके बाद यहां पे और क्या चीज रखा है वो हम देखेंगे. फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शंस को आपको दिखाना है इस तरह. ये वाला आपका ग्राउंड स्टेट रहेगा जो कि ऑरल डायग्राम में ऐसा रहता था. यही जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपका ग्राउंड स्टेट बनेंगे और वहां से आपको ऊपर जाना है हायर एनर्जी लेवल में. और एक चीज है आपका नॉन क्रॉसिंग रूल, ये भी आपको ध्यान में रखना है. नॉन क्रॉसिंग रूल ये क्या चीज है? ये हमने ऑरल डायग्राम में भी देखा था कि अगर हमारा जो टर्म्स का सेम सिमेट्री होगा, ठीक है, टर्म्स विथ सेम सिमेट्री नेवर क्रॉस ईच अदर बट रिपेल ईच अदर. जो अगर हमारा जैसे कि दो टर्म साथ में आ रहा है T1G और T1G2 दो आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को इस तरह क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि ये दोनों एक ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, एक नीचे आने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये सब अब ये सब जो पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है ऑर्गल डायग्राम ये तेनाबो सुगानो डायग्राम बनाने के लिए. ठीक है, अब हम जाते हैं तेनाबे सुगानो डायग्राम्स बनता कैसा है. इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम तेनाबे सुगानो डायग्राम्स बनाएंगे. ठीक है, अब हम बनाएंगे तेनाबे सुगानो डायग्राम. सबसे पहले हम बनाएंगे D2 सिस्टम के लिए. ठीक है, D2 सिस्टम के लिए जैसे कि अगर हम यहां पे एग्जांपल लेंगे तो विनेडियम 3+ इसका कॉम्प्लेक्स लेंगे, यहां पे क्या है आपका D2 सिस्टम है. तो तेनाबो सुगानो डायग्राम बनता कैसा है? हमने कहा है अभी ये हमारा वाई एक्सिस है. ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, एनर्जी एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस पे हमने कहा ये एक्स एक्सिस हमारा ग्राउंड स्टेट रहता है. ग्राउंड स्टेट टर्म हमारा एक्स एक्सिस पे रहता है एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन D2 सिस्टम के लिए. तो हमें तो ये पता है कि हमारा जो D2 सिस्टम है इसके लिए हमारे पास जो टर्म्स आता है एक तो ट्रिपलेट F आता है, सिंगलेट D आता है, ट्रिपलेट P आता है, सिंगलेट G आता है और सिंगलेट S आता है. ये सब हमें पता है, ये सब हमने टर्म सिंबल डिस्कस करते वक्त देखा था ये सब कैसे आता है. ठीक है, तो ये है आपको. और यहां पे एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल को जो रिलेशन है यहां पे तो ऐसा आता है जो हमारा डी ऑर्बिटल में D10-N अगर ये ऑक्टाहाइड्रल का केस है तो इसके बराबर आपका डी एन टेट्राहाइड्रल
दोनों के लिए हमारा सेम टेनाब्गो सुगानो डायग्राम बनेंगे। अगर आपका D10 माइनस N ऑक्टाहेड्रल इज इक्विवेलेंट टू DN टेट्राहेड्रल, मतलब अगर आपका D10 माइनस 2 करते हैं कितना आएगा 8, D8 ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू D2 टेट्राहेड्रल, जो भी हमने वहां पे डिस्कस किया था ऑर्गल डायग्राम में उसी तरह D8 ऑक्टाहेड्रल और D2 टेट्राहेड्रल के लिए सिमिलर रहेंगे। उसी तरह अगर हम 10 माइनस 3 करते हैं तो 7 आएंगे, D7 ऑक्टाहेड्रल इज इक्वलेंट टू D3 टेट्राहेड्रल, ठीक है, D6 ऑक्टाहाइड्रल इज इक्वल टू D4 टेट्राहाइड्रल। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, D10 माइनस 1 एक ऑक्टाहाइड्रल इज इक्वल टू DN टेट्राहाइड्रल, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो y एक्सिस और x एक्सिस है, x एक्सिस हमारा ग्राउंड स्टेट रहता है, तो यहाँ पे हम मार्किंग करता है, जिसके 1 करें, 10 करते हैं, 20 करते हैं, 30, 40, इधर भी आपका इसी तरह 10, 20, 30, 40, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएंगे, डेल्टा नॉट बाय बी, अगर यहाँ पे आप डी क्यू रखेंगे तो 1, 2, 3, 4 आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका ई बाय बी, वहां पे एक एनर्जी रहता था और एक फील्ड स्ट्रेन रहता था, अब हम इसको सब के लिए अप्लाई करने के लिए रखा पैरामीटर इंक्लूड किया है, बी इधर, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ आ जाइए आप, अब यहाँ पे ये D2 सिस्टम के लिए ये सारा टर्म्स आते हैं, इसमें से हमारे हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म है, ग्राउंड स्टेट टर्म हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर जिसका सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसके बाद हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड स्टेट 0 पे जो आएंगे वो हमारा ट्रिपलेट F आएंगे, ठीक है, ट्रिपलेट F आएंगे, ठीक है। तो ये जो F है, ऑफ F सेम जिस तरह हमारा ऑर्गल डायग्राम में ये स्प्लिट अप हो जाता है, उसी तरह ये आपका एक T2G में प्लस T1G में और आपका A1G में, ऐसे आपका क्या होगा, ये वाला स्प्लिट हो जाएंगे, T2G T1G A2G में स्प्लिट होगा, तो यहां भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, यहां बनेंगे तो, लेकिन यहां पे जो ग्राउंड स्टेट टर्म है जो कि इन केस ऑफ D2 में T1G रहता है, तो ये आपका T1G रहेंगे F, क्या हुआ, ये आपका T1G F, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यहां पे स्प्लिट अप हो जाएंगे, F का यहीं से अराइज होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका T2G F यहां पे, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है तो यहां 3, यहां हम G लिख रहे हैं ताकि हम ये इस कॉम्प्लेक्स के बना रहे हैं, अगर ये ऑक्टाहेड्रल के टेट्राहेड्रल के लिए बनना है तो यहां से G हट जाएंगे, ठीक है, ये दो हो गया। अब जो तीसरा है A2G, ये आपका A2G F, सेम वही है, सिर्फ हमारे यहां क्या है, जो एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म रहेंगे, ये आपका हुआ F का। नेक्स्ट जो आपका टर्म है, ठीक है, D1 आपका D1 रहेंगे लगभग यहीं इधर, ठीक है, इधर आपका सिंगलेट D रहेंगे, इस तरह सिंगलेट D रहेंगे, तो D हमने देखा था कि वो दो पार्ट में डिवाइड होता था, ठीक है, ऐसे एक आपका क्या रहेंगे T2G रहेंगे, एक आपका EG, 1 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 1 है, एक आपका T2G एक आपका EG, इस तरह आपका D का स्प्लिटिंग हो जाएंगे। D के बाद आपका क्या आता है P का, ठीक है, P ऑर्बिटल, यहां देखेंगे हम थोड़ा ऊपर P ट्रिपलेट पे, तो ये आपका ऐसा स्प्लिट हो जाएंगे, ये T1G 3 आएंगे, यहाँ पी मीन्स ये पी का, ठीक है, ऐसे आपका बनेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जी कितने उसमें डिवाइड होता है आपका, देखो यहां पे अगर हम जी को देखते हैं,
सिंगलेट जी, जी जी हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, ठीक है जी जी। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, ये हमारा A1G रहेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो 1A1G ऐसे, ठीक है। ये दो हमारे आएंगे, A1G हुआ, फिर हमारा T1G, T2G, T1G, ये सब क्या है, G का है, ये सब क्या है, G टर्म का है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों एक एक रहेंगे। ये 3 हुआ, 3, 6, 7 हुआ, अभी 2 और बचता है हमारा EG, तो ये थोड़ा हायर एनर्जी का इधर जाता है EG, ये हम इधर G लिखते हैं और इधर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, ये हमारा G वाला टर्म हुआ। S आता है हमारा सबसे हायर एनर्जी S वाला, लेकिन S हमारा फादर स्प्लिट अप नहीं होता है, तो अगर हम यहाँ सिंगलेट S लेते हैं तो वो सिंपल A1G 1 में क्या हो जाएगा, इस तरह आपका टिनाबे सुगानो डायग्राम बनेंगे, किसके लिए, D2 सिस्टम के लिए, टिनाबे सुगानो डायग्राम फॉर D2 सिस्टम, ये आपकी D2 सिस्टम के लिए टिनाबे सुगानो डायग्राम है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फर्क क्या हुआ, हमने उसमें सिर्फ सेम मल्टीप्लिसिटी क्या वो जो टर्म था वो लिया था, अगर हम वो लेते, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसा बनेगा, जिसमें हम अगर सिर्फ सेम मल्टीप्लिसिटी के टर्म को लेते हैं तो ये हमारा डेल्टा नॉट बाय बी एक्स एक्सिस पे, ई बाई बी वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये हमारा 10 हो जाता, 20, 30, 40, तो यहां हमारे पास जो सेम स्पिन के दो ही है, एक एफ है और एक पी है, एफ का ये हुआ, एक हमारा जो T1G, एफ हमारा ग्राउंड स्टेट बनता ट्रिपलेट, और ये हमारा T2G, एफ ट्रिपलेट, और ये हमारा A2G, एफ ट्रिपलेट, ये होता। दूसरा हमारा जो स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन है वो पी है, ठीक है, ये हमारा T1G पी ट्रिपलेट, तो ये दो हमारा अलाउड ट्रांसेक्शन, अगर इसको हम सिंप्लीफाईली ओनली अगर हमारा स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन को हम ड्रॉ करते तो हमारा ऐसा बनता, ठीक है, ये वाला और ये वाला, जिसमें हमने सारे स्टेट्स को हमने इंक्लूड किया गया है, तो आपका टिनाबे सुगानो डायग्राम ऐसा बनता है, कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी टिनाबे सुगानो डायग्राम, सुगानो डायग्राम, लेकिन अब हम आते हैं, अब हमने कहा है कि ये जो टिनाबे सुगानो डायग्राम है उसमें हमें साहम सारे एनर्जी हुआ, राका पैरामीटर हुआ, फील्ड स्ट्रेंथ हुआ, इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टिनाबे सुगानो डायग्राम। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको टिनाबे सुगानो डायग्राम के साथ उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की, जैसे कि इसके, इसकी जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम का होना जरूरी है, कहां पे इसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम होना चाहिए, तभी आपको यहां से वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स में, अब ये हमारा ग्राउंड स्टेट हुआ और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हुआ, तीन हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है जो कि स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन दे सकता है, ट्रिपलेट है स्पिन अलाउड T1G से, तो एक तो हमारा ट्रिपलेट T2G में जा सकता है, स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन है, एक हमारा ट्रिपलेट T1G में जा सकता है पी का, जो कि स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन है, और एक हमारा ट्रिपलेट A2G में जा सकता है जो कि हमारा क्या है, स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन है, स्पिन अलाउड ट्रांसेक्शन है, ठीक है। ये तीन हमारा, एक आपका यहां से, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, एक आपका यहां से यहां जा सकते हैं, ठीक है, दूसरा यहां से आपका सेम स्पिन के यहां जा सकते हैं, और तीसरा यहां से आपका
इधर जा सकता है। ये तीन ट्रांसैक्शन आपको विनएडम की कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस ट्रांसैक्शन को, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ट्रिपलेट T1GF लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये आपका ग्राउंड स्टेट है, यहां से आपका जो हम आपका ट्रांसैक्शन है वो जा सकता है जो कि स्पिन अलाउड है इसमें, ट्रिपलेट T2GF में स्पिन सेम है तो ये स्पिन अलाउड ट्रांसैक्शन है। दूसरा कहां से जा सकते हैं, आपका ग्राउंड स्टेट है ट्रिपलेट 1GF से, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जा सकता है आपकी यहां पे ट्रिपलेट T1G, लेकिन ये आया है पी टर्म से, यहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तीसरा जो आपका जा सकता है ये वाला ट्रिपलेट T1GF से आपका ट्रांसैक्शन हो सकता है ट्रिपलेट A2GF में। ये तीन पॉसिबल ट्रांसैक्शन है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये जो तीन स्पिन अलाउड पॉसिबल ट्रांसैक्शन है, ये तीन ट्रांसैक्शन आपकी इस विनेडम की कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। ट्रिपलेट T1G जो कि ग्राउंड स्टेट को हमने इस एफ से एक्स एक्सिस पे रखा है, वहां से ट्रिपलेट T2G में जा सकते हैं, ठीक है। यहां से ट्रिपलेट T1G एफ से आपके ट्रिपलेट T1GP में जा सकते हैं, यहां से आपके ट्रिपलेट T1G एफ से आपका ट्रिपलेट T2G में जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसकी जब हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, इसका जब हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम देखा तो इसका लग ऐसा आपको एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पे आपका मोलर एब्जॉर्बेंस आएंगे। तो यहां पे जब आपने इसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम देखें तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेंगे यहां पे, थर्टी 20,000 10,000 5,000 ये आपका वेव नंबर का वैल्यू है, ठीक है। ये यूजुअली वेवलेंथ की वैल्यू में आता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको तीन ट्रांसैक्शन मिलते हैं, एक आपको अराउंड 17 पे, एक 25 पे, एक आपका 36 पे, ठीक है। ऐसा आपको एक ग्राफ मिलेंगे, ठीक है, ऐसा आपको ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। एक जो आपको मिलेंगे अराउंड 1700 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये थोड़ा स्केलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। एक आपका 25600 सेंटीमीटर, एक आपका अराउंड 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये तीन ट्रांसैक्शन आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ विनेडम एक्सा एक्वाविनेडम कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेंगे, ऐसा आपको एक्सपेक्ट रहा, ठीक है। तो यहां पे जब हम देखेंगे तो सबसे जो कम एनर्जी का ट्रांसैक्शन है वो ये होता है आपका, जो लो एनर्जी का ट्रांसैक्शन मींस आपका ये 17200 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको ये वाला ट्रांसैक्शन मिलेंगे जो कि कम एनर्जी का ट्रांसैक्शन है, ये आपका 17200 सेंटीमीटर इनवर्स पे। फिर आपका आता है ट्रिपलेट T1GF से ट्रिपलेट T1GP में, ये आपका अराउंड 25600 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलेंगे, और ये आपका 3600 जो कि सबसे हाई एनर्जी का ट्रांसैक्शन है वो आपको अराउंड 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये ट्रांसैक्शन मिल जाता है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा मिल, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका ये वाला यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, और यहां से आपकी जो टिनाबे सुगानो डायग्राम से आप इसकी डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, देखो।
तो हमारा एक तो डेल्टा नॉट का वैल्यू, दूसरा हमारा जो है राका पैरामीटर का वैल्यू किसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको करना है जो आपके सबसे जो क्लोज रिलेटेड जो आपका एनर्जी लेवल टू है, ये आपका ई टू है, एक आपका ई टू बाई बी डिवाइडेड बाय ई वन बाई बी, इन दोनों का आपको रेशियो लेना है, इन दोनों का आपको रेशियो लेना है। ठीक है, तो ई टू आपका यहाँ पे ये ई वन है, ये आपका ई टू है, ये आपका ई थ्री है। ठीक है, ई टू आपका अराउंड 25600 डिवाइडेड बाय आपका 17200 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दो आपका इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो बी भी आपका कैंसिल हो सकता है, फिर यहाँ पे आपका ई टू बाई ई वन इसका रेशियो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1.5 सेंटीमीटर क्या आता है, आपका वैल्यू आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रूलर लेना है अपने हाथ में। रूलर को आपको इस डायग्राम पे ऐसे रखना है, ठीक है, फिर इसको आप आहिस्ता 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 इधर 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 स्लाइड करते जाना है। आपके पास एक ये है ई वन ई टू ई थ्री है, इन दोनों का आपको रेशियो लेना है, इन दोनों की रेशियो आपका एक एनर्जी यहां से यहां है, दूसरा यहां से यहां है, इन दोनों की रेशियो लेना है। रूलर से आपको इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, जहां भी रूलर पे आपको इन दोनों का रेशियो, एक तो यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक का, इन दोनों का रेशियो आपको बराबर 1.5 तक आने तक आपको आपकी रूलर को ऐसे ऐसे एडजस्ट करते जाना है टेनाबे सुगानो डायग्राम पे, जो कि रेफरेंस आपकी कोई भी अच्छे बुक पे रेफरेंस में आपको अच्छे से स्केलिंग से बना हुआ का, वहां पे आपको क्या करना है, रूलर को ऐसे लेना है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करते जाना है, कहां से यहां से ई वन इधर हुआ आपका ई थ्री, हमने ई टू और ई थ्री के लिया था, तो यहां पे रूलर को ऐसे एडजस्ट करते जाना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रूलर पे कितना आता है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो जब तक आपको 1.5 तक नहीं आएंगे तब तक आपको एडजस्ट करना है। जब आपको यहां पे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे इसका वैल्यू और यहां पे इसका वैल्यू आपको 1.5, इन दोनों का रेशियो 1.5 के बराबर आता है, तो वहीं पे आपको स्टॉप करना है। वहीं पे आपको स्टॉप करने के बाद फिर आपको वहां से यहां पे एनर्जी का, अगर यहां पे आता है तो यहां पे इसका ई वन का वैल्यू मिलेंगे और यहां पे इसका ई टू का वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, ई टू का वैल्यू मिल जाएंगे। फिर जब आप यहां से यहां लगभग इसकी कॉम्प्लेक्स में जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो ये यहां पे पोजीशन आपका आ रहा था अराउंड 26 पे, तो आपकी 26 पे इसका वैल्यू, ई वन का वैल्यू आपका 26 पे, ई टू का वैल्यू आपको अराउंड 28 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां से जब आप इसका एनर्जी निकालोगे, ठीक है, ई बाई बी यहां पे है, ठीक है, इसका वैल्यू जब आप निकालोगे 26 पे इस पे, ठीक है, तो यहां से आपका 26 आता है, यहां से एनर्जी का वैल्यू जो आपकी यहां पे क्या है 17200 है, डिवाइडेड बाय बी है आपका फिर 26, इसका फिर बी इज इक्वल टू क्या आएंगे, बी इक्वल टू आपका 17200 डिवाइडेड बाय 26, यहां से आपको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका अराउंड 660 सेंटीमीटर इनवर्स इस बी का वैल्यू होंगे। ठीक है, इस बी का वैल्यू होंगे, तो जब आपका बी का वैल्यू मिलेंगे तो यहां से आप डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 28, ठीक है, ये वाला सेकंड वाला, तो यहां से डेल्टा नॉट का वैल्यू क्या होगा आपका 28 इंटू बी, बी का वैल्यू आपको पता है क्या है आपका 660, 28 इंटू 660 सेंटीमीटर इनवर्स जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेंगे 1800500 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से आपको इस पैरामीटर, इस कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा नॉट का वैल्यू भी आता है, यहां से आपका राका पैरामीटर का वैल्यू भी यहीं से निकल
आता है। तो ये है आपका टिनाबो सुगानो डायग्राम का एडवांटेज, जहां से आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं, यहां से आप फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपकी डी टू सिस्टम के लिए। इसी तरह डी थ्री का होगा, डी फोर का होगा, डी फाइव का होगा। अब डी फाइव के डी थ्री के बाद आपका क्या हो सकता है, एक तो आपका हाई स्पिन भी बन सकता है, एक आपका लो स्पिन भी बन सकता है। उसके लिए आपका फिर अलग टिनाबे सुगानो डायग्राम बनेंगे। जैसे कि आप डी थ्री तक तो ठीक है, डी फोर में जाते हैं तो आपका इधर ये हाई स्पिन बन सकता है, या तीनों चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो अगर आपका लो स्पिन बनता है तो आपका एक दो तीन इस तरह आपका पेयरिंग भी हो सकता है। उसके लिए फिर आपको अलग डायग्राम होंगे, टिनाबे सुगानो डायग्राम। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा इसको अच्छे से देखिएगा कैलकुलेट करके। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये जो जब स्पिन पेयरिंग होता है तो आपके जो टिनाबे सुगानो डायग्राम कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। जब आपका यहाँ पे फिर आपका डायग्राम ऐसे बनेंगे, ठीक है, यहां तक आपका हाई स्पिन के लिए बनेंगे। हाई स्पिन मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे एक जगह ऐसे आएंगे जहां स्पिन पेयरिंग होगा। तो लो स्पिन के लिए आपका यहां से फॉर एग्जांपल डायग्राम ऐसा होता है, तो ऐसे चला जा सकते हैं, कुछ ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपका अलग टिनाबे सुगानो डायग्राम बनता है। तो वो हम इंशाल्लाह अगले क्लास में हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक में दिया होगा। तो हम उसको उनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा वो ये टिनाबे सुगानो डायग्राम डिफरेंट जो D2, D3, D4 के लिए आपके कोई भी अच्छे वाले रेफरेंस बुक में दिए होंगे, जैसे कि हु भी हुआ, वहां पे आपको अच्छे से ये सब मिल जाएंगे। तो वहां पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंट टिनाबे सुगानो डायग्राम, और हम इसको आपको कैसे वहां से आपका ये एनर्जी और ये राका पैरामीटर सब कैलकुलेट करना है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टिनाबे सुगानो डायग्राम पे दूसरा एग्जांपल लेके एनर्जी सारा कैलकुलेट करेंगे, और उसी के साथ हम D6 के लिए कैसे टिनाबे सुगानो डायग्राम बनता है और उसको कैसे अप्लाई करता है वो देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक ही, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।